आज हम जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी, जो कि आगरा से 43 किलोमीटर दूर है। शहर के चारों तरफ ये वॉल बनी हुई है। इस वॉल के अंदर जब आप एंटर करेंगे तो शहर स्टार्ट हो जाएगा और बहुत सुंदर व्यूज हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये है बहुत सुंदर सा तांगा और मैंने शायद बहुत सालों के बाद इसे देखा है और अब ऐसे सिटीज में ही शायद ये देखने को मिलता है। और अब हम जा रहे हैं बुलंद दरवाजा। आप जिस भी व्हीकल से आए वो आपको पार्किंग में ही खड़ा करना होगा और यहाँ से आपको पैदल ही जाना होगा। बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वो सामने आपको दिख रहा है, वो बुलंद दरवाजा है, वहां तक आपको चल के ही जाना होगा। ये देखिए, ये बना रही हैं, ये क्या है, ये झुनझुना है, ये बना रही हैं इसको तीलों से। ये देखिए कितने का बेचती हो, 20 रुपए का। और ये हम पहुंच गए हैं बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजे को विक्ट्री दरवाजा भी कहा जाता है, इसको डोर ऑफ विक्ट्री कहते हैं। इसको अकबर ने बनवाया था गुजरात के ऊपर विक्ट्री पाने के बाद। ऊपर चढ़ने के लिए टोटल 42 स्टेप्स हैं जो आपको चढ़ के ऊपर जाना होगा। ऊपर से आपको पूरा फतेहपुर सीकरी सिटी बहुत सुंदर दिखाई देगा, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से। इस दरवाजे की टोटल हाइट 176 फीट है, बहुत ऊंचा दरवाजा है, वर्ल्ड का हाईएस्ट दरवाजा है ये। अंदर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है और जामा मस्जिद जाने के लिए भी आपको बुलंद दरवाजे से होकर ही जाना पड़ेगा। दरगाह में जाने से पहले आप यहां अपने हाथ पैर धो सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं दरगाह के अंदर माथा टेकने के लिए। यहाँ पे लोग चादर चढ़ाते हैं, धागा बांधते हैं और मिन्नत मांगते हैं, जो भी उन्हें चाहिए होता है, और फिर आके जब उनकी मिन्नत पूरी हो जाती है तो फिर वो यहाँ माथा टेकने आते हैं। काफी मान्यता है इस दरगाह की। माथा टेकने के बाद हमने सुनी लाइव कव्वाली।
दरगाह में माथा टेकने के बाद और लाइव कव्वाली सुनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हैप्पी हैप्पी मूड हो गया है। और अब हम जाएंगे आगे। अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए दोनों अलग अलग दरवाजे हैं। और ये देखिए, ये काफ़ी सुकून से धूप में आराम से खड़ी थी और बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। और अब हम आगे जा रहे हैं जोधा भाई का महल देखने। नीचे उतरते ही वॉकिंग डिस्टेंस पे ही जोधा भाई का महल है।